पूरा मामला फिरोजाबाद थाना उत्तर की सुधामा नगर का है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर पीड़ित पक्ष का दूसरे पक्ष से झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष को 6 महीने पूर्व 80,000 रुपए दिए थे, जिसको लेकर आए दिन झगड़ा हुआ करता था। आज भी इसी क्रम में झगड़ा बढ़ा। झगड़े में फायरिंग हुई, जिसमें आरोपी सोनवीर ने पिता और दो बेटों पर गोली चला दी, जिससे एक की मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल अभी परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। क्या करता राजवीर? कुछ नहीं करता, छोड़ दो, भैंस रख के सोनवीर का घायल है। अभी FIR नहीं आई, तथापि जो मौके पर मृतक की माँ मौजूद थी और इसके परिवार के दो अन्य भाई मौजूद थे, उनसे जो वार्ता हुई है उसमें पता चला कि लगभग जो है 4 साल पहले 80,000 रुपये इनके द्वारा उधार दे दिए गए थे। जो ये इसने आज हत्या करी है, इससे लगातार तगादा करने के बावजूद इसके द्वारा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा था। आज ये लोग तगादा करने के लिए इसके घर पर आए थे और इनमें आपस में जब झगड़ा हुआ तो एक्यूज ने छत पर चढ़ करके गोली चला दी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और एक इसके भाई को सिर में गोली लगी है तथा इनके पिता को पैर में गोली लगी है। दो जो घायल हैं उनको आगरा रेफर किया गया है। मौके पर अभी शांति है, पुलिस तत्काल एक्टिवेट हो गई थी। जो इसमें सबसे अप्रिय बात है वो ये कि 4 साल तक ये आपस में विवाद होने के बावजूद इनके द्वारा थाने को इस प्रकार के मैटर को सूचना नहीं दी गई और न ही किसी अन्य को अवगत कराया गया, जिससे थाने तक ये बात पहुंच सके। लेकिन फिर भी अभी हम लोग मौके पर हैं और तत्काल जब तक आरोपी आइडेंटिफाई हो गए, आरोपी एक बताया जा रहा है अभी, उसका आइडेंटिफाई किया जा रहा है, बाकी FIR आने के बाद अभी कहा है। लगभग वही स्थिति है हमारे लिए, बस अब चिंता की बात है वो ये है कि जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है उसको ऐसी स्थिति में लाने वाले हत्यारों को कानूनन कठोर दंड मिले और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो और इसके आगे पीछे जो भी लोग हैं, जो भी इससे जुड़े हुए, कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, लेकिन जो भी दोषी है वो बचे नहीं। बाकी जो है ये तो परिस्थिति जन्य लगा है हमें भी प्रथम दृष्टा, क्योंकि या तो पूर्व सूचना हो या पहले से कोई बात हो, तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और हम लोग पूरे तरीके से पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार की हर तरीके से मदद हो, कानूनी रूप से भी हो और अन्य सामाजिक स्थितियों में भी हो,